दोस्तों आज का वीडियो व्हीलचेयर रिगार्डिंग है। बहुत सारे हमारे दोस्त पूछते हैं कि कौन सी अच्छी व्हीलचेयर होती है, तो मैं रिसेंटली बड़ौदा गया था, बिरजू भाई से मिला, तो मैंने देखा है कि बिरजू भाई काफी 10-12 व्हीलचेयर यूज कर चुके हैं और काफी एक्सपेंसिव व्हीलचेयर भी वो यूज कर चुके हैं, और अभी जो रिसेंटली वो यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो अपना रिव्यू देंगे। दूसरी बात मुझे एक और अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी वान में रैम फिट करवाया है जो बहुत ही इनोवेटिव और रीजनेबल है, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। दोस्तों ये यही रैम के रिगार्डिंग में बात कर रहा था जो उन्होंने इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट अभी जो खोल रहे हैं बहुत ही इनोवेटिव है, उन्होंने खुद डिजाइन किया था और ये घर पर ही उन्होंने इंस्टॉल करवाया था। अब देखिए तीसरा पार्ट भी ये अभी ओपन हो रहा है और इस पर वो इजीली व्हीलचेयर से वो आ जा सकते हैं, फिर वो बंद भी कर देते हैं अपने आप। मैं यही व्हीलचेयर की बात कर रहा था जो बैटरी से चलती है और उनको काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, और उसके रिगार्डिंग वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे, व्हीलचेयर के रिगार्डिंग वो बताएंगे, आप उनको अच्छे से सुन लीजिए। ये न्यू मोशन के 2 प्रोडक्ट्स है, इसको नियो फ्लाई बोलते हैं, इसको नियो बोल्ट बोलते हैं। पहले मैं फ्लाई के बारे में बात करूंगा। अभी तक इंडिया की बेस्ट व्हीलचेयर है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए खास ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आप देखोगे कि मैं कितना ईजिली घूम रहा हूँ। जो इधर की जो व्हीलचेयर आती है रेडीमेड, आप धक्का मार मार के थक जाते हो। पहले मेरे पास जो व्हीलचेयर थी तो मैं करीबन 500 मीटर में थक जाता था, अभी इस पर रोज़ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऐसे ही एक्सरसाइज के लिए घूमता हूँ। और इसका जो फिनिशिंग है, पॉस्चर मेरा स्ट्रेट रहता है, और बड़ा मतलब प्लानिंग करके फिर वो प्रोडक्ट देते हैं आपको। पहले आपका मेजरमेंट होता है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट आता है। इनमें मतलब थोड़े ऑप्शन भी होते हैं, जैसे ये रिम्स है राइट, राउंड भी आता है और ये भी आता है। इससे क्या होता है, अच्छी पकड़ रहती है, आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी। और कैस्टर व्हील्स में भी 2-3 ऑप्शन है, तो मैं ज़्यादा रोड पर जाता हूँ इसलिए जो सबसे बड़ा साइज है वो ले लिया, क्योंकि टॉपल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब से ये व्हीलचेयर आई है मेरा लाइफ काफ़ी चेंज हो गया और बहुत इजी हो गया है। इंडिपेंडेंट होने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हैव अ गुड व्हीलचेयर। अगर आपका व्हीलचेयर सही हो ना तो काफ़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसी व्हीलचेयर अगर हम ऑटो वॉक या कोई भी टीला आइडिया ऐसे लेने जाएंगे तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जाता है मैन्युअल। तो ये आई थिंक अभी 50,000 किया होना, 50-55 के आसपास मिल जाता है। ये दोनों का सेट आई थिंक 1,05,000 में मिलता है अभी, और ये कंपनी है चेन्नई बेस्ड और IIT के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपनी है। तो 4-5 साल पहले रिसर्च किया है फिर ही प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो अभी मैं आपको नियो बोल्ट बताऊँगा कैसे ऑपरेट होता है। ये जो पहले 3 पीस थे इंडिया में बेचे हैं वो मैंने ले लिया, उसके बाद काफी चेंजेस किए उन्होंने। अब लॉक कीजिए, आपने देखा होगा ये कैस्टर्स ऊपर हो जाते हैं जब ये करते हैं तब ये, और फिर ये लॉक करते हैं। अभी आपका व्हीलचेयर 3-व्हीलर हो गया इलेक्ट्रिक। चाबी डालने का ये पैनल में उसका स्पीड कंट्रोल है, आप पैनल चालू करेंगे तब व्हीलचेयर चालू हो जाएगा। तो आपको मैं देखा था ये फर्स्ट एकदम लो है, स्पीड में 3 है इसके स्पीड के वेरिएशन, ये 1, 2 एंड 3 इन स्पीड में जाती है। 1 में एकदम स्लो जाएगा, 2nd में मीडियम और 3rd पे फास्ट। फास्ट करके भी 25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती है, और एक बैटरी के चार्ज में 25 से 30 किलोमीटर चल जाता है। और ये हॉर्न्स है, ये उसका मेन है, ये शट ऑफ हो जाए तो चलेगा नहीं। सेफ्टी स्विच, ये लाइट के लिए दिया है। और अभी के मॉडल में साइड लाइट आता नहीं है, जो काफ़ी लोगों से टूट जाता था, तो ये फीचर पहले जो 100 पीस बना है उसमें ही है।
रेयर व्यू मिरर्स है, एक रिवर्स बटन भी है। सेफ्टी के लिए साउंड भी दिया है। बट इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप बैटरी निकाल सकते हो, और आपको घर पे जाके चार्जिंग करना हो तो आप निकाल के चार्ज कर। और सबसे महंगा पार्ट ही ये है, तो आपको ऐसा डर हो कि चोरी हो जाएगा तो ये निकाल देने का। तो दोस्तों, जो लोग व्हीलचेयर ले सकते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और अभी आपको बिरजू भाई एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरा नाम बिरजू पटेल है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2002 में, तब मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी D3 to D5। पहले 5-6 साल में काफ़ी मतलब लो रहता था और रूम से बाहर ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। फिर मेरे को बेड सोर बहुत हो गए, किडनी ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ, तो उससे निकलते निकलते मुझे 1.5 साल हुआ। और मैंने रियलाइज़ किया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर आप एक भी दिन एक्टिविटी छोड़ दोगे ना तो बहुत इफ़ेक्ट करता है। मतलब जितने भी स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो घर के बाहर जाए, जॉब करे, एक्टिविटीज़ करे, स्पोर्ट्स खेले, बहुत सारे एवेन्यूज है, पर घर के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं हर रोज़ शाम को 5:15 को निकलता हूँ मेरे घर से, ऑलमोस्ट 4.25 किलोमीटर घूम के आता हूँ। फिर सुबह 3 टाइम्स अभी वर्कआउट भी करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड वाले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ये ऐसी इंजरी है जहाँ बहुत खर्चा होता है, डे टू डे लिविंग भी इतना चीप नहीं होता है। तो अपने आप को आत्मनिर्भर कीजिए, पॉजिटिव रहिए और कुछ एक्टिविटी में इंडल्ज कीजिए अपने आप को। जैसे मेरा एक स्कूल है सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल, और मैं ट्रस्टी हूँ उस ट्रस्ट का, तो मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। अभी नया बिल्डिंग बनाया है तो एक्सेसिबल बनाया है, तो उसके रैंप्स ऊपर तक है, टेरेस तक, कि आप लोग आए तो आप भी पतंग उड़ाना है तो टेरेस पे पतंग उड़ा सकते हो। तो मतलब यही सब बात है, मतलब मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहने का। और हर एक दिन मेरा कैसा है डिफरेंट होता है, मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो आदमी को अगर खुश रहना है तो रोज़ कुछ नया नया करना चाहिए। पर ये मेरी एडवाइस है सबसे, बस नमस्कार। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायादार से काशी रे, कायादार से काशी हो जा।